सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7 का भूगोल विषय का पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी का आगे का प्रकरण मुख्य स्थलाकृतियाँ इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो स्थल मंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है, यानी अनेक प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमने देखा था कि ये देखो, इसमें ये स्थल मंडल है, ये परत दर परत इस तरह से बनता है, जिसके आंतरिक परत का नाम आंतरिक कोण, फिर मेंटल और उसके बाद स्थल मंडल है। तो ये प्लेटें क्या है कि धीरे धीरे धीमी गति से पृथ्वी के अंदर ही चारों तरफ घूमती रहती हैं। इस तरह से ये गोल गोल घूमती रहती हैं धीरे धीरे। तो जो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा है वो क्या करता है, वो भी घूमता रहता है। और पृथ्वी के अंदर इसी गति के कारण पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है यहाँ भी परिवर्तन होता है, यानी अंदर परिवर्तन होने के कारण पृथ्वी के बाहर भी परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी की इसी गति को हमने कई भागों में बांटा था बल के आधार पर, कि एक अंतर्जनित बल होता है, एक बहिर्जनित, यानी जो पृथ्वी के अंदर बल लगता है वो अंतर्जनित और जो पृथ्वी की बाहरी सतह पर बल लगता है वो बहिर्जनित। तो इसी अंतर्जनित बल के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन ये होते हैं, और बहिर्जनित बल है वो पवन, समुद्री तरंगे, हिमनद, नदी या समुद्र के द्वारा बहता हुआ जल, ये बल लगाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय और अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है, और पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, यानी पृथ्वी के ऊपर जो शैल हैं, पर्वत वगैरह हैं, उनके टूटने से ये अपक्षय होता है। भूदृश्य पर यानी भूमि के ऊपर जल, पवन और हिम ऐसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं, यानी पर्वतों का टूटना अपक्षय और नदियों, हवा और जल वगैरह से जो क्षय होता है उसे अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, यानी जो ये वायु और जल है वो एक चीज़ को दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन और निक्षेपण के ये जो प्रक्रम हैं वो पृथ्वी के धरातल पर कई प्रकार की आकृतियाँ बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है, यानी जो भूमि हमें दिखाई देती है ऊपर से उस भूमि का अपरदन होता है। अपरदन हमने पढ़ा था कि जैसे जल और पवन वो विभिन्न घटक हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी वस्तु को लेकर जाते हैं तो उसे ही अपरदन कहते हैं। तो नदी अपने साथ कई जो मिट्टी है, शैल हैं, इनके छोटे छोटे खंड हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल और खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह जलप्रपात बनाती है। तो ये देखो कि विश्व में कहाँ कहाँ जलप्रपात हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं और सबसे ऊँचा जलप्रपात है दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात, और इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात, अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये देखो, यहाँ आपको एक चित्र भी दिखाई दे रहा है, ये है नियाग्रा जलप्रपात जो कि कहाँ पर है, ये अमेरिका के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये देखो, ये कठोर जल का एक चित्र दिखाया, कठोर शैल है इधर, और यहाँ पर जो जल की शक्ति है वो क्या कर रही है, इसको, इस शैल को मृदु कर रही है, नरम कर रही है, और वो अपने साथ इसको बहाकर ले जाती है। इसके बाद देखो कि जब नदी ढलान से यानी जलप्रपात बनकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, और नदी के इन्हीं बड़े बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ये देखो, ऐसे नदी ऐसे घुमावदार बनती है, और जो जहाँ पर ये मोड़ आ गया है ना,
इसी मोड़ को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण होता जाता है। तो ये देखो, जब ये यहाँ पर है मोड़, मानो ये आ गया विसर्प, तो यहाँ पर, यहाँ किनारे पर क्या होगा? अपरदन और निक्षेपण होगा। तो विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और ऐसे अलग हो जाते हैं और बीच में इस तरह से बाढ़ वाला क्षेत्र आ जाता है। तो जो ये हिस्सा अलग हुआ, ये क्या बन गया? इसे हम कह देते हैं झील, या चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर भी बहने लगती है और इसके परिणाम स्वरूप उसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी और पदार्थों को ही अवसाद कहा जाता है। इससे समतल और उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। तो जो ये बाढ़कृत मैदान है, ये उपजाऊ होगा, ठीक है, और समतल होगा। तो नदी के उत्तरी तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का जो प्रवाह है वो धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। तो ये देखो, जैसे जैसे ये मुख्य नदी है, फिर वो ऐसे गई, यहाँ से एक और, यहाँ से एक और, इस तरह से ये अलग अलग कई धाराओं में बट जाती है समुद्र तक पहुँचते पहुँचते। और इन्हीं अलग अलग धाराओं को क्या कहा जाता है? भित्रिका। इसे ही हम भित्रिका कहते हैं। और यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, यानी वहीं रख देती है। तो प्रत्येक भित्रिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। यानी प्रत्येक जो भित्रिका है वो अपने आसपास इस तरह से, ये जो आपको लेमन कलर के दिखाई दे रहे हैं, तो ये मुहाने बनाती है और इन मुहानों पर क्या होते हैं? अवसाद, यानी वही अपशिष्ट पदार्थ, है ना। तो इन्हीं अवसादों के संग्रह से क्या बनता है? एक डेल्टा बनता है। इसके बाद देखो कि समुद्री तरंग के कार्य, जो समुद्र में उठने वाली तरंगे हैं वो क्या काम करती हैं? समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण ये क्या करती हैं? तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती हैं, यानी समुद्र के किनारे किनारे। तो समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं। ये देखो, जैसे ये यहाँ पर शैलें हैं, तो यहाँ से समुद्री तरंगे इनसे टकराती रहती हैं और जिससे क्या होती है? दरार बनती है। समय के साथ साथ ये दरारें बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं और इस दरार को गुफा कहते हैं। जैसे यहाँ से टकराई, ऐसे टकराते टकराते क्या है? दरार बनेगी। और इसी दरार क्या है? ये समय के साथ साथ, यानी धीरे धीरे ये दरार है वो बड़ी हो जाती है और इसे गुफा कहते हैं। और ये गुफाएं के बड़े होने पर इसमें केवल क्या बचती है? सिर्फ छत बचती है, यानी अंदर से आर पार हो जाती है। तो जब सिर्फ छत बचती है उसे तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपरदन क्या कहते हैं? छत को भी तोड़ देती है, यानी ऊपर से छत भी हट गई, यानी अब ये ऐसे एक सिर्फ खंड रह जाएगा, केवल दीवार बचेगी। और दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं, यानी कि ये धीरे धीरे पहले यहाँ एक दरार आई, फिर उसमें छेद हुआ, बड़ा गुफा बनी, फिर गुफा बनते बनते छत रही और वो छत भी बाद में अलग हो गई। तो बीच में क्या बचा? एक दीवार का टुकड़ा, और जिसे उन्होंने क्या कहा? स्टैक। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। और समुद्री तरंगे हैं जो किनारों पर अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं, यानी समुद्री तरंगे भी अपने साथ अवसाद लाती हैं और वो समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। इसके बाद है हिमनद, कि हिमनद का क्या कार्य है? हिमनद या हिमानी, ये बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। देखो यहाँ चित्र में आपको ये दिखाई भी दे रही हैं ऐसे, है ना, कि ये बर्फ़ की नदियाँ हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है, यानी कि जो इस बर्फ़ के नीचे चट्टानें हैं, पत्थर हैं, उनको वो अपरदित करती है और गुलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में, यानी उन गड्ढों में क्या है? जल भर जाता है और वो एक सुंदर झील बन जाते हैं।
हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत, तलछटी मिट्टी, ये निक्षेपित होते हैं और ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। इसके बाद है कि पवन का कार्य। पवन यानी हवा। तो क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के आप कोशिश करना कुछ चित्र एकत्रित करने का। तो रेगिस्तान के अंदर जो पवन है उसका क्या कार्य है? अपरदन और निक्षेपण। रेगिस्तान के अंदर अपरदन और निक्षेपण किसके कारण होते हैं? पवन के कारण ही। अगर हवा नहीं होगी तो जो ये मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी। तो रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, ऐसे छतरी जैसे, तो जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल भी कहा जाता है। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा नीचे वाले भाग को आसानी से काटती है, इसीलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण और शीर्ष जो हैं यानी ऊपर का हिस्सा है वो विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर क्या करती है? एक छोटी पहाड़ी बनाती है और इसी छोटी पहाड़ी को बालू टिब्बा कहते हैं। और जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर बहुत दूर ले जाती है। और जब ये बालू कण है विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोअस कहते हैं। और चीन में विशाल लोअस निक्षेप पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ में देखा कि कैसे पृथ्वी के अंदर गति होती है और उसी गति के अंदर की गति के कारण ही बाहर भी परिवर्तन होते हैं। और आंतरिक बल के कारण भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन ये होते हैं और बहिर्जनिक बल है वो नदी, समुद्र, पवन, हिमनद ये लगाते हैं। और इनके कारण जो पृथ्वी पर है कई प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।